इसका मुझे कॉस्ट ऑलमोस्ट 2750 पड़ा, 2750। दैट कम्स विद द बैग विद द ब्लैडर, और रिव्यूज़ वगैरह अच्छे थे। तो आप देख सकते हो ये पैकिंग है अमेजोन की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आपका। सो जैसा कि आपने थंबनेल या टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैंने आज राइडा का हाइड्रेशन पैक ऑर्डर किया है, और दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर माय जर्नी विच आई एम टेकिंग। सो अराउंड ये 10 डेज़ का ट्रिप होने वाला है, 9 to 10 डेज़ का, जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर करने वाला है। सो उसी की प्रिपरेशन के लिए दिस इज़ वन ऑफ द गियर्स, और यू कैन से वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द एसेंशियल्स विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्पेशली ड्यूरिंग दिस हॉट समर। सो इसलिए मैंने ये राइडा का हाइड्रेशन पैक जो है ये ऑर्डर किया है, और स्पेसिफिकली मेरा ये इसके पीछे थिंकिंग था कि व्हेन वी राइड ड्यूरिंग समर्स, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप बॉटल जो है उसमें आप पानी कैरी करते हो, जो जनरली या तो आपके टैंक बैग में होता है या आपके सैडल बैग में होता है। उसके लिए फिर आप बाइक को रोको, उतरो, पानी निकालो, पियो, सो दैट अगेन एंड अगेन स्टॉपेज, और उसकी वजह से हाइड्रेशन भी सही से हो नहीं पाता, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टेक टू मैनी ब्रेक्स, और उसकी वजह से फटीग हिट करता है, टायर्डनेस होती है, डिहाइड्रेशन होता है, बहुत सारे इश्यूज आता है। सो एक्चुअली टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मुझे यही लगा कि इट्स द राइट टाइम टू ऑर्डर अ हाइड्रेशन बैग। और इसका मैंने रिव्यूज़ पढ़ा, बहुत सारे वीडियोज़ देखे, और उसमें मुझे यही फील हुआ कि दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, और हम डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे पास अमेज़ॉन की प्राइम मेंबरशिप भी थी, और उसके साथ ये हाइड्रेशन बैग जो है अमेज़ॉन दे रहा था, विद इन वन डे इट वाज बीइंग डिलीवर्ड टू मी, और मुझे 3 से 4 दिन में जर्नी पर निकलना है, सो इट वाज इम्पॉर्टेंट टू मी टू गेट इट, अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी, एडजस्ट विद एज सून एज पॉसिबल, और इसीलिए मैंने ये अमेज़ॉन के थ्रू ऑर्डर किया है। इसका मुझे कॉस्ट ऑलमोस्ट 2750 पड़ा, 2750। दैट कम्स विद द बैग विद द ब्लैडर, और रिव्यूज़ वगैरह अच्छे थे। तो आप देख सकते हो ये पैकिंग है अमेज़ॉन की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो ये अमेज़ॉन की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे अमेज़ॉन का ये इनवॉइस का डिटेल्स दिया हुआ है। इधर आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ है नहीं, विल जस्ट गेट आफ्टर इट, हम इसकी चीथड़े उड़ा देंगे और अंदर से निकलेगा हमारा बैग। तो ये अमेज़ॉन की रैपिंग मैं साइड में कर देता हूँ, और आप देख सकते हो ये हमारा हाइड्रेशन बैग का, ये 2 लीटर के ब्लैडर के साथ आता है। आप बाहर से देख सकते हो यहाँ पे इसकी कुछ MRP लिखी हुई है, 2750, जैसा मैंने आपको बताया था। इसमें एक पीस है, ये इसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, वेबसाइट्स, ब्रांडिंग डिटेल्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। ये प्लास्टिक रैपिंग है, यहाँ पर जिस टेप लगाया हुआ है ये हमने खोल लिया है, और ये अंदर से निकलता है हमारा हाइड्रेशन बैग। मुझे एक्चुअली एक ऑरेंज ब्लैक कॉम्बिनेशन का भी था, मुझे वो लेने का मन था, बट वो स्टॉक में नहीं था जब मैं ऑर्डर कर रहा था। तो आई सेड कि ओके फाइन, लेट्स गो विद दिस, दिस ऑल्सो डजंट लुक बैड, क्वाइट गुड एक्चुअली, बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त लग रही है इसकी। ये आप देख सकते हो यहाँ टैग लगा हुआ राइडा का, ये अगेन दैट्स द सेम थिंग विच वी जस्ट सॉ, ये राइडा का यहाँ ब्रांडिंग है, लोगो है, H2O का लोगो है, जो बेसिकली सिग्निफाई करता है कि दिस इज़ द हाइड्रेशन पैक फॉर कैरिंग द वाटर, बट एक्चुअली वाटर के अलावा भी यू कैन कैरी मैनी थिंग्स हियर आई गेस। ये इसके कुछ एडजस्टेबल बकल्स हैं जो आपके चेस्ट में लग जाएंगे, और ये कुछ स्पॉन्ज वाली फीलिंग दे रहा है, काफ़ी ऐसा लग रहा है, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर है। ये मुझे पता नहीं है वाटरप्रूफ होगा या नहीं, ये डेफिनेटली फ्रंट पार्ट जो ये वाटरप्रूफ होगा, बट ये स्ट्रैप्स वगैरह वाटरप्रूफ शायद नहीं होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे पॉकेट्स और भी दिए गए हैं। ये मैश लाइक स्ट्रक्चर मोस्टली इसलिए दिया जाता है ताकि ये पार्ट आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में होता है डायरेक्टली,
सो दैट यहाँ से ब्रीदिंग रहे, स्वेटी ना हो, आपको गर्मी ज़्यादा ना लगे. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न. और या ये कुछ एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, आप इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और ये आपके चेस्ट और एब्डोमेन में लगेगा जिससे पूरी तरह चिपक के बैठे. ये हुक दी गई है यहाँ पे, जो कि बेसिकली जिससे आपकी इनलेट जो ड्रिंकिंग पाइप है वो अटैच होगी. यहाँ पे भी एक हुक दी गई है जिससे आप कहीं पर भी इसको वॉल वगैरह पे हैंग कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बाहर की तरफ में चेन्स दिए गए हैं, तो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के चेन्स लग रहे हैं. यहाँ पे आप और भी खाने पीने का सामान, वॉलेट, मोबाइल कैरी कर सकते हो, चेंज वेंज कैरी कर सकते हो अगर इनके स्टोर वगैरह पे आपको रुकना पड़े या कुछ खरीदना हो उसके लिए. यहाँ पे भी आपके दिए गए सिर्फ, और ये ज़बरदस्त क्वालिटी लग रही है. तो ये एक अच्छा चीज़ है इसमें राइडर में कि इन्होंने सिर्फ हाइड्रेशन नहीं, एक्चुअली इसको अगर आप हाइड्रेशन बैकपैक निकाल भी लो, हाइड्रेशन ब्लैडर निकाल भी लो, तो ऐसा नॉर्मल बैग भी यूज़ कर सकते हो. और ये कुछ ऐसा दिखता है, आप एक बार देख लो, फिर मैं अंदर खोल के आपको दिखाऊंगा. क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इसकी, सॉलिड लग रहा है. और ये सब कुछ रिफ्लेक्टर्स भी हैं इसमें, सो ये दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ये सारे रिफ्लेक्टिंग मटीरियल ही लग रहा है मुझे, जो कि नाइट राइडिंग में भी हेल्पफुल होगा. जो कि आप जानते हो मेरे ब्लॉग से कि मैं नाइट राइडिंग ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ. ये आगे का सेकेंडरी चेंबर है, इसमें आप डेफिनेटली खाने पीने का सामान रख सकते हो. मैं तो वही करने वाला हूँ, इस बैग को मैं कम्प्लीटली फूड के लिए यूज़ करने वाला हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. ये स्टिकर भी गिरा अंदर से राइडर का, ये देखते कहाँ लगा सकते हैं. बट या ये सब कुछ मैं इसको कम्प्लीटली खाने पीने और कुछ चेंज कैरी करने के लिए यूज़ करूँगा. ये इसका मेन चेंबर है, मैं आपको एक बार हाथ डाल के दिखा देता हूँ. ये ऑलमोस्ट इतना यहाँ तक जा रहा है, इतनी डीप तक देख सकते हो, यहाँ ऑलमोस्ट इतनी लेंथ तक जा रहा है, जो कि मुझे लगता है आराम से, मतलब काफ़ी गहरा होगा ये. आराम से मुझे लगता है कि 5 लीटर तक का ब्लैडर डेफिनेटली कैरी कर लेगा. यहाँ पे इसका ये हुक दिया हुआ है, वेलक्रो सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने हाइड्रेशन पैक ब्लैडर को अटैच करने के लिए. और ये ब्लैडर की क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है मुझे. लेट्स ओपन दिस एंड सी, लेट्स रिप दिस टू श्रेड्स. तो ये है आपका हाइड्रेशन ब्लैडर, ये 2 लीटर का आप देख सकते हो, 200 ml टू 2 लीटर. ये बोल रहा है नंबर 1 फोल्ड टूवर्ड्स यू, मैक्स फिल लाइन एंड देन स्लाइड. तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये ओपन कैसे होता है टाइट. ये यस ओके, मुझे आ नहीं रहा था. ये क्वाइट सिंपल है, ये इधर स्लाइड करना है, इसको खोलना है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर पानी जाएगा, फिर ये बंद करना है. और ये ओपन क्लोज जो लिखा है ये आपकी साइड होगा, इसे यहाँ रखना है और बस स्लाइड कर देना है, ये आपका लॉक हो गया. ये जो है यहाँ पिन लॉक सिस्टम है, इसको प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से ये निकाल सकते हैं और ये वापस फिट हो जाएगा. ये पाइप जो है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें ये कवर दिया हुआ है कैप, तो बेसिकली आपको इसको खोलना है. हाँ ऐसे खुलता है ओके, तो ये खोलेगा और ये शायद निकल जाएगा. अभी मैं निकाल ले रहा हूँ इसको, आप ऐसे दबा के चू करके और फिर यहाँ से इस क्रैक से पानी खींच सकते हैं. इस जगह पे जब आप दांत से ऐसे दबाओगे तो इसका शेप ऐसे चेंज होगा और यहाँ क्रैक बन जाएगा, जो कि आप पानी पीने के लिए काम आएगा. वापस छोड़ोगे बंद हो जाएगा. यहाँ से ऑन ऑफ का है, ये आई गेस ऑन हो गया, इसको आप ऊपर लिफ्ट किया और ये नीचे किया तो ये वापस ऑफ हो गया. और इसका कैप लगा दो. ये जो होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि ये कैसे जाएगा, इसमें क्या सेटिंग होगी इसकी.
तो ये आई गेस इसमें जाएगा अंदर पानी भरने के बाद। ये जो वेलक्रो है ये ऐसे खुलेगा और ये इसमें जाएगा और ये ऐसे बंद हो जाएगा ताकि ये इसमें टाइटनिंग है, ये फ्लैप अप और डाउन ना, ये स्टेबल रखने का काम आएगा। उसके बाद ये मेन चैम्बर आप बंद कर दोगे ऐसा, और फिर ये पाइप जो है ये फर्स्ट लेफ्ट स्ट्रैप से आएगा, इन सबसे होता हुआ यहाँ से इसमें आएगा और ये कुछ इधर अटैच हो जाएगा ऐसा। ये आपका पूरा सेटअप तैयार है। तो अब आप गर्मी में हाइड्रेशन कैरी कर सकते हो अपना खुद का। और एक बात ध्यान रखें कि इसमें मोस्टली आप ट्राई करें कि पानी ही कैरी करें और कोई चीज़ें लाइक ग्लूकोज या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ये सब कैरी ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि इसको धोना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और नॉर्मल प्लेन वाटर कैरी करें, और बाकी चीज़ों के लिए, बाकी बेवरेजेस के लिए आप बॉटल कैरी कर सकते हो। और या दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट दिस रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थम्स अप। वैसे मैं इसको भी यूज़ करूँगा अपने अपकमिंग राइड में, तो आपको और डिटेल रिव्यू दे पाऊँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में। बट फर्स्ट इम्प्रेशन एंड अनबॉक्सिंग अ बिग थम्स अप। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी वेरी स्टर्डी डिज़ाइन, सॉलिड स्ट्रक्चर, बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे अपने ओपिनियंस बताते रहें कि आप और किस चीज़ को रिव्यू देखना चाहेंगे, और मैं जैसे जैसे कोई भी नए गेयर्स खरीदूंगा मैं रिव्यूज़ डालता रहूँगा। लेट्स ट्राई टू मिक्स इट अप अ लिटिल बिट, ताकि ट्रैवल व्लॉग्स भी आए, रिव्यू भी आए। मैं चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा चैनल बिल्ड करें जिसमें कि आपको एक कम्प्लीट सॉल्यूशन दे पाऊँ, एक कम्प्लीट लिस्ट या कम्प्लीट लिस्ट ऑफ वीडियोज़ दे पाऊँ, जिसको देख के आपकी बहुत सारी बाइकिंग और ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेरीज जो वो आंसर कर पाऊँ या टिप्स दे पाऊँ। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। सो आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं और अच्छे अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए लाता रहूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। कीप राइडिंग, कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।